रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच। राजनीतिक दुनिया की हर मंगली खबरें, अपराध पर कसकर किसने किया भ्रष्टाचार और कौन है अपराधी, हर खबर यानी पूरा सच देखना ना मीरा रोड के काशी मीरा मीनाक्षी नगर में आज तोड़क कार्रवाई में कम से कम 35 से 40 मकान तोड़े गए। माना यह जा रहा है कि कार्रवाई मनपा की जगह पर बनाई गई थी, सरकारी जमीन के तौर पर है, लेकिन आम लोगों का कहना यह है कि यह जमीन एक क्रिश्चियन परिवार की है, इसका TDR अभी तक सरकार को नहीं दिया गया है। गौरतलब है कि कहीं ना कहीं बड़ी राजनीति एवं कूटनीति के चलते गरीबों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यहाँ सारे BMC ऑफिसर और दमकल की गाड़ी भी उपस्थित थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी तोड़क कार्रवाई हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितने लोग हैं जो बेघर हुए। आइए उनसे जानते हैं आप रूपी की क्या और कैसे घटना घटी। अब बोलते इधर नहीं रहने देगा, इसको उखाड़ दो एकदम, नहीं भैया लोग इधर बसने रहेगा। आपकी नहीं दिया था कुछ नहीं, आपको बिना बताए तोड़ दिया। बिना बताए आए, अचानक में आए, कोई नोटिस, बिना नोटिस दिए तोड़े। जगह मालकी आपकी है, क्रिश्चियन फैमिली की जगह है, इसको कोई ये गार्डन रिजर्वेशन में लेकिन हैंडओवर नहीं किया है नगर पालिका को, और नगर पालिका को साथ में साठगांट करके TDR लेने के चक्कर में है, इसके लिए गरीब जनता का कार्रवाई करवाया उसने, और उसने खुद ने मीरा भाईंदर में इलीगल बांधकाम किया हुआ है। उसका 7 लेवल स्कूल है वो भी इलीगल है 2 माला, उसके ऊपर नगर पालिका कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भाईंदर वेस्ट में शिवसेना गली CRZ पे बसा हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। नीलकमल नाके से पूरा इलीगल बसा हुआ है, कॉर्पोरेटर लोग वहाँ पे पैसा खा रहे हैं, वो इलीगल कार्रवाई कर रहे नहीं है लोग, सब BJP की साठगांठ मिली हुई है इसमें। मैं नगर पालिका में कमिश्नर साहब से बात किया सुबह, तो वो क्या बोलते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो खाली बोलते हैं कार्रवाई करते हैं। यदि आपके शहर में आस पास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज 18 पर वीडियो आप देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच यानी पूरा सच।